जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है राजेंद्र, आप देख रहे हैं PR की अनबॉक्सिंग YouTube चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे का टिकट दोस्तों अगर आपने PRS काउंटर से खरीदा है तो क्या चार्ट बनने के बाद कैंसिल हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी ट्रेन चल रही है दोस्तों वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी आपका बोर्डिंग पॉइंट है लखनऊ, और दोस्तों आपको जाना मतलब कि दिल्ली है, ठीक है। आपने दोस्तों इस तरह से आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया। दोस्तों आपकी ट्रेन अगर आपकी ट्रेन वाराणसी से भी चलने में दोस्तों अगर आपका आधा घंटा बाकी है तो उसे कैंसिल करवा सकते हो। मान लीजिए दोस्तों आपका मतलब कि ट्रेन अगर आपको लखनऊ में पकड़नी है तो लखनऊ अगर पहुंची नहीं है आपकी ट्रेन दोस्तों आधा घंटा बाकी है या दोस्तों एक घंटा बाकी है तो भी आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हो। दोस्तों इसमें मतलब किस तरह से कैंसिल चार्ज काटा जाता है उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। दोस्तों इसमें क्या होता है, अगर आपकी स्लीपर की टिकट है दोस्तों तो स्लीपर में अगर आपकी टिकट वेटिंग या RAC रह जाती है तो भी दोस्तों ₹60 चार्ज लिए जाएंगे कैंसिल चार्ज के, मतलब कैंसिल करवाने के चार्ज लिए जाएंगे ₹60 अगर टिकट आपकी स्लीपर में वेटिंग या RAC है। और दोस्तों अगर आपकी टिकट कंफर्म होती है तो दोस्तों आपसे ₹125 मतलब कैंसिल चार्ज लिया जाएगा। तो दोस्तों इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। दोस्तों आप डिस्प्ले पे देख लीजिए ये टिकट दोस्तों कैंसिल कराई गई है, इसमें दोस्तों कितना फेल लिया गया है और दोस्तों इसमें कितना मुझे वापस मिला है और कितना दोस्तों इन्होंने मतलब कैंसिलेशन चार्ज काटा है, बल्कि दोस्तों इस ट्रेन का चार्ट बन चुका था। दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।